हमारी धरती हरी भरी और पेड़ पौधों से सजी कितनी अच्छी लगती है। पेड़ और पौधे हमारे वातावरण को तो स्वच्छ रखते ही हैं, साथ ही वो हमें मानसिक शांति भी प्रदान करते हैं। लेकिन आज के बढ़ते शहरीकरण के चलते हवा प्रदूषित हो गई है, इसके कारण हमारी सेहत पर बुरा प्रभाव हो रहा है। इन सबसे निपटने के लिए सरकार तो जरूरी कदम उठा ही रही है, साथ ही लोगों में भी जागरूकता आई है। वो अब अपने घर के आसपास के वातावरण को शुद्ध करने के लिए गमलों में ही इंडोर और आउटडोर पौधों को लगा रहे हैं, इसलिए आजकल इनका चलन बढ़ सा गया है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे पौधों की नर्सरी के बिजनेस के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकन का बटन दबाएं। बिजनेस करने वालों के लिए पौधों की नर्सरी का बिजनेस एक अच्छा बिजनेस साबित हो सकता है, जिससे वो अच्छी कमाई के साथ प्रकृति की देखभाल में भी अपना सहयोग दे सकते हैं। तो आइए जानते हैं पौधों की नर्सरी का बिजनेस शुरू करने की पूरी जानकारी। कैसे शुरू करें प्लांट नर्सरी बिजनेस? पौधों प्लांट नर्सरी बिजनेस को चाहे तो आप अपने घर के गार्डन में भी शुरू कर सकते हैं या फिर कोई जमीन लेकर वहां से। लेकिन जहां तक हो इस बिजनेस को किराए या खरीदी हुई जमीन से शुरू करना बेहतर होगा। इससे आप वहां अपने खुद के पौधे अधिक मात्रा में उगाकर उन्हें आसानी से अपने ग्राहकों तक पहुंचा पाएंगे। बिजनेस शुरू करने के लिए आपके इस बिजनेस में रुचि जरूर होनी चाहिए और आपको पौधों के बारे में जानकारी होना आवश्यक है, जैसे कौन सा पौधा किस समय उगाया जाए, किस पौधे में कितनी मात्रा में और कौन सा फर्टिलाइजर डालें, कौन से पौधे इंडोर और आउटडोर उगाए जाएं आदि। नर्सरी बिजनेस में लगने वाला सामान। प्लांट नर्सरी बिजनेस को शुरू करने से पहले आपको कुछ चीजों और औजारों को खरीदना होगा, जैसे कि उपजाऊ जमीन। शुरू करने से पहले आपको उपजाऊ जमीन को खरीदना या किराए पर लेना होगा। ये ध्यान रखना होगा कि जमीन उपजाऊ हो, वरना आप वहां अपने मन मुताबिक पौधों को उगा और उन्हें बेच नहीं पाएंगे। रेत और मिट्टी। अलग अलग तरह के पौधे उगाने से अलग अलग तरह की मिट्टी की जरूरत होती है, इसलिए आपको रेत और मिट्टी दोनों की ही उपलब्धता को जान लेना जरूरी है। पानी। नर्सरी बिजनेस में पानी की भरपूर आवश्यकता होती है, क्योंकि आपको हर पौधे को समय समय पर सींचना होता है, इसलिए पानी की व्यवस्था पर भी ध्यान दें। हरी जाली और बल्लियां। पौधों को आप अगर सीधे धूप में रखेंगे तो सही से बढ़ नहीं पाएंगे, इसलिए आपको हरे रंग की जाली और उनको लगाने के लिए बलियों की आवश्यकता होगी। खाद और कीटनाशक। अच्छी गुणवत्ता वाला खाद पौधों को अच्छे से बढ़ने में मदद करता है और मजबूत बनाता है, साथ ही अच्छे कीटनाशक पौधों पर कोकीट या फिर फंगस आदि से बचाता है, इसलिए आप ध्यान रखें कि जहां तक हो आप नेचुरल फर्टिलाइजर और खाद ही उपयोग में लाएं। औजार। आपके नर्सरी बिजनेस में कुछ औजारों की भी आवश्यकता होगी, जैसे पावड़ा, गेती, कैंची, खुरपा, हथौड़ा, पॉलीबैग, बास्केट आदि। ये औजार समय समय पर आपके काम आएंगे। पौधों का चयन। आपको अपनी नर्सरी में कौन से पौधे रखने हैं, इसका निर्णय आप कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए ले सकते हैं। सबसे पहले आपको शहर की अच्छे से रिसर्च करनी होगी। अगर आपका शहर गर्मी वाला शहर है तो आपको गर्मी में उगने वाले पौधों को रखना होगा, जैसे आम, संतरा, तुलसी, केला, टमाटर, नीम, गुलाब, कुछ सजावटी पेड़ आदि। लेकिन अगर आप ठंडे शहर से हैं तो आपको उसी के हिसाब से पौधों को रखना होगा, जैसे स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, लीची और कुछ सजावटी पेड़ आदि। तेज गर्मी में ये पौधे अच्छे से बढ़ नहीं पाते। इंडोर और आउटडोर। आप इंडोर पेड़ जैसे मनी प्लांट, स्नेक प्लांट, बेबी कैक्टस आदि रख सकते हैं, साथ ही आउटडोर पेड़ में तुलसी, एलोवेरा, गुलाब, फल के पौधे आदि को नर्सरी में रख सकते हैं। सीजनल पौधे। आप सीजन के हिसाब से भी पौधों को रख सकते हैं, जैसे गर्मी के मौसम और ठंड बारिश के मौसम में लगाने वाले पौधे। गर्मी में आप कई तरह के बेल फल के पौधे लगा सकते हैं। कम पानी में उगने वाले पौधे भी आप गर्मी में लगा सकते हैं। सर्दी में आप मूली, स्ट्रॉबेरी, गाजर जैसे फल और सब्जी के पौधे लगा सकते हैं। जगह का चयन। प्लांट नर्सरी आप शहर के किसी भी हिस्से में शुरू कर सकते हैं, लेकिन अगर इसे रेजिडेंशियल एरिया में शुरू किया जाए तो आपकी बिक्री ज्यादा होने की संभावना रहेगी, इसलिए अपने बिजनेस के रेजिडेंशियल एरिया में शुरू करें और ऐसी जगह खोलें जहां लोगों की नजर आपकी नर्सरी पर पड़े। लाइसेंस और सब्सिडी। प्लांट नर्सरी बिजनेस शुरू करने के लिए आपको नगर निगम से सर्टिफिकेट प्राप्त करना होगा। आपको अपनी कंपनी को रजिस्टर करना होगा, 10 GST नंबर और एक करंट अकाउंट भी खुलवाना होगा। आपको नर्सरी निर्माण के लिए सरकार से अनुमति लेनी होगी, साथ ही आपको अपनी नर्सरी का इंश्योरेंस भी लेना होगा। आज इस व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए इस बिजनेस को शुरू करने वालों को सरकार की तरफ से सब्सिडी भी प्रदान की जा रही है और सस्ते दाम पर बीज, खाद और औजार मुहैया कराए जा रहे हैं, जिसके लिए आपको www.nsd.gov.in पर जा अधिक जानकारी मिल जाएगी। नर्सरी बिजनेस में लागत। पौधों की नर्सरी बिजनेस को शुरू करने में कम से कम आपको 50,000 से 1,00,000 तक की लागत आ सकती है। अगर इसे बड़े पैमाने पर शुरू कर रहे हैं तो आपको 2,50,000 तक की लागत आ सकती है, जिसमें जमीन का किराया और 420 पौधे, खाद, कीटनाशक आदि को खरीदने का खर्चा शामिल है। इसके अलावा पानी और बिजली का खर्चा अलग से इसे जोड़ना होगा। सरकार भी अपनी तरफ से मदद करती है, इसकी लागत में से कुछ राशि कम हो सकती है। नर्सरी बिजनेस में मुनाफा। इस बिजनेस में कमाई की कोई सीमा नहीं है। एक औसत निकाला जाए तो हर महीने 40 से 45,000 रुपए आराम से आप कमा सकते हैं।
तो ये थी पौधों की नर्सरी के बिजनेस की जानकारी है। अगर आपको इस व्यवसाय को शुरू करना है, योजना बनाएं, जगह निश्चित करें, सारी सामग्री जुटाएं, कानूनी व्यवस्था पूरी करें और अपने सपनों का नर्सरी का बिजनेस शुरू करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे बिजनेस आइडियाज के लिए कमेंट करके हमें जरूर बताएं। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।